बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत आबाद रखे। जी नाज़रीन, मैं हूँ फरजाना कुक्स एंड बेक से। तो जी नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन फ्रूट केक। इसमें हम लेमन का जूस और लेमन के जेस्ट इस्तेमाल करेंगे और बहुत सादा और सिंपल केक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तीन अंडे हैं, मैं एक एक करके तोड़ूंगी। अपने इस बाउल में शामिल करते हैं। इनको मैं अलग निकाल रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है, ख़राब निकलते हैं, इसलिए मैं अलग तोड़ रही हूँ इनको। तो अब हम दूसरे बाउल में इसको मिक्स करेंगे। ये एक कप ऑयल है मेरे पास, इसमें तकरीबन डेढ़ कप चीनी शामिल कर रही हूँ मैं पिसी हुई। इसको हम मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें इस अंडे इसमें शामिल कर देंगे। देखिए, अंडे भी मिक्स हो चुके हैं। हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये एक चम्मच के करीब लेमन जूस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम मैदा शामिल करेंगे। इसको पहले दो बार हम छान लेंगे। इसमें डाल दिया मैंने। ये हाफ चम्मच बेकिंग सोडा है मेरे पास, एक चम्मच बेकिंग पाउडर है। इनको भी इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से और छान लेंगे। देखिए, ये दो बार मैंने इसे छान लिए। अब इस मेज़े को इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैदे को अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना, बस मिक्स ही करना है। देखें, तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा दही है मेरे पास, दो से तीन चम्मच है ये, इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत सॉफ्ट और नरम केक बनेगा, बिल्कुल फूला हुआ नरम नरम केक बनता है इससे। थोड़ा लेमन ज़ेस्ट इस्तेमाल करेंगे इसमें। देखें जी, इसको भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा कलर, एक चुटकी पीला कलर इसमें शामिल कर रही हूँ। मिक्स हो गया ये भी अच्छे से। अब इसको हम अपने इस पैन में शामिल करेंगे। इस मेज़े को इसमें डाल देंगे हम और इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट। देखें जी, ये बेक हो चुका है। इसको अब हम इस पे निकाल लेते हैं। कवर को हमने हटा दिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, थोड़ी सेटिंग कर लें इसकी।
देखिए नाज़रीन, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है इसका। इससे हम काट लेंगे इसको। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पसंद का ज़रूर बताइए। आप मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपने कमेंट्स से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। से इजाज़त चाहूँगी मैं। आप अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश सलामत रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।